हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आरआरबी टेक्नीशियन वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए कुछ बातें आपके समक्ष है रखनी, जिसको कि हाईलाइट करना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात हम यह कहना चाहेंगे कि कल यानी कि 14 तारीख को कोलकाता, अजमेर, पटना और इलाहाबाद में प्रदर्शन है, और इस प्रदर्शन को बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट नाम दे रहे हैं। तो ध्यान रखें कि आप कहने को आप इसे प्रोटेस्ट कह सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट या आंदोलन जैसे शब्द न कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ना ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी बातों का किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी, किसी नेता या किसी मंत्री या सरकार के अन्य कोई नुमाइंदे पर हमारी बातों का कोई गलत नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि क्यों ना हम काफ़ी लिबरल होकर के उदारवादी तरीके से अपनी बातों को रखें, और उदारवादी तरीके से अपने बातों को रखने का यह तात्पर्य है कि हमें यह नहीं कहना है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि हमें यह कहना है कि हम प्रार्थना करने या अनुरोध करने बोर्ड के सामने जा रहे हैं, ताकि बोर्ड हमारी मजबूरियों को, हमारी समस्याओं को समझे और वो डिमांड दे, डिमांड भेजे अपने जोनल रेलवेज में या डाइवर्जन करे, जैसे भी हो, हमारा सेटलमेंट करे। ये पहली बात है कि हम कोई आंदोलन नहीं, हम अनुरोध करने जा रहे हैं, और ये हमारा कह सकते हैं कि प्रकार से अनुरोध मार्च होगा या अनुरोध प्रदर्शन होगा। दूसरी चीज यह कह सकते हैं कि हमें अगर किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से यदि मिलना है तो ये नहीं कहना है कि सरकार की गलती है, और सरकार के खिलाफ, सरकार के सभी मंत्री जितने से भी हम लोग मिले हैं, जितने संसद से मिले हैं, सभी का काफ़ी सकारात्मक रिप्लाई रहा है, और हर किसी ने कहा कि कैसे नहीं होगा, एकदम होगा, जब ऐसी बात है तो हर किसी का होगा। और ऐसी स्थिति में यदि आप सरकार का या सरकार के मंत्रियों का विरोध करेंगे या उनके खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो उसका निश्चित तौर पर हम सभी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो करना यह है कि सबसे पहले 14 तारीख वाले या निकल वाले प्रोटेस्ट को हम, एकल वाले जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम लोग प्रोटेस्ट या आंदोलन का नाम दे करके, नाम दे करके उसको क्या कहेंगे हम लोग, ये हमारा अनुरोध मार्च है या अनुरोध आग्रह कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो ये पहली बात। दूसरी बात कि हमें किसी भी नेता या किसी भी पार्टी या सरकार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कहना है। किसी भी नेता से मिलेंगे किसी, तो उसको सिर्फ यही बात कहना है कि अभी तक रेलवे बोर्ड की लापरवाही की वजह से हमारा काम नहीं हुआ, और उसके पीछे कहीं ना कहीं अभी भी रेलवे बोर्ड की ही लापरवाही और रेलवे बोर्ड की ही सुस्ती जिम्मेवार है, ये मैं भी आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो उन्हें यही बात बताना है कि रेलवे बोर्ड के कारण अभी तक हमारी देरी हो रही है। तीसरी बात कि यदि आप किसी अधिकारी से मिलेंगे, किसी भी रेलवे भर्ती, किसी भी रेलवे बोर्ड में या रेल भवन बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप सभी को हम यही कहेंगे कि आप वहाँ अपनी इस बात को रखें। पहले भी रेल भवन से कुछ अधिकारियों ने कहा था कि यदि आप कहेंगे तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रुप में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ग्रुप में, मैं एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ग्रुप उसमें कई ट्रेड आते हैं, वायरमैन्स वगैरह भी आते हैं, और मैकेनिकल ग्रुप में फिटर वगैरह सारे छोटे छोटे कई प्रकार के करीबन 20-30 ट्रेड, दोनों मिलाकर के 30-40 के आसपास ट्रेड टोटल आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप में बांट करके यदि वेटिंग क्लियर किया जा सके तो 100% बच्चों का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। तो ये उन अधिकारियों को बताना है कि हम, पहले लोगों ने कहा था कि नहीं, हम इसमें सहमत नहीं, आप ट्रेड वाइज ही क्लियर करिए। तो अब यदि आपकी किसी अधिकारी से मुलाकात होती है तो आप उनको यही बात कहें कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप और मैकेनिकल ग्रुप, आप इन दो ट्रेड को तो बखूबी जानते हैं, इन दोनों ट्रेड ग्रुप में ही सभी को डिवाइड करके आप सभी का डाइवर्जन करके, या जैसे भी हो, जो 8679 अप्रूवल मिला है उस अप्रूवल में आप सभी को क्लियर करके उसका पैनल दे दीजिए, और उसके बाद
एनईसी नहीं बचेगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है कोई भी एनईसी सीट नहीं बचेगी, ठीक है। और किसी भी संसद या मंत्री से आप मिलें तो उसमें अपनी बातों को, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उस पूरी क्षमता का उपयोग करें। आप कई परीक्षाएं पास करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, निश्चित तौर पर आप में वो क्षमता है कि आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से उनके समक्ष रख सकते हैं। तो अपनी बातों को अपने तरह से रखना कहीं भी सीखें, और ध्यान रखें कि कहीं भी किसी के समक्ष कोई बात आप रखें तो काफ़ी लिबरल होकर के, उदार होकर के और टू द पॉइंट्स चीज़ों को रखें। ज़्यादा कोई लाग लपेट ना करते हुए एकदम टू द पॉइंट्स चीज़ों को रखें। और ये फिलहाल दो तीन इंस्ट्रक्शंस आप मान करके चलें या अनुरोध मान करके चलें, इसे आप ज़रूर लागू करें। और एक बात और आप सभी से कहना चाहेंगे कि इन्फॉर्मेशंस के अभाव में बहुत सारे भाई हैं हमारे जो वीडियो बनाते हैं, कुछ अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं तो कुछ लोग अनर्गल वीडियोज भी बनाते हैं। तो आज तक मैंने आप सभी से किसी से नहीं कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कहना भी उचित नहीं समझता, मैं किसी अपने वीडियो में नहीं बोलता हूँ। और आप सभी देख रहे हैं कि मेरा चैनल कोई रेलवे टेक्नीशियन के वेटिंग के पर वीडियो बना करके नहीं हुआ, ये तो मैं पिछले 2 महीने से करीबन बना रहा हूँ। उसके पहले से मेरा 8000 के आसपास का चैनल अभी है, यानी ये वीडियो बनाना शुरू करने से पहले मेरे पास 75-76 के करीब सब्सक्राइबर थे ही। तो मैं इसलिए कह दे रहा हूँ आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनका कोई भी न्यूज़ होता है तो वो मुझे कहते हैं नीतीश भाई आप वीडियो बना दें, तो मैं वीडियो बनाता हूँ और उनके इन्फॉर्मेशंस के आधार पर, और मैं खुद जब एक्टिव रहता हूँ तो मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशंस होता है मैं उसको आपके साथ साझा करता हूँ। तो आप अनर्गल इन्फॉर्मेशंस से बचिए, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जेन्युइन चीज़ें आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट अगर हम आपके समक्ष साझा करें तो आप उससे तुरंत रूबरू हो पाएं। और बहुत सारे जगहों पर अगर आप बहुत सारे लोगों की वीडियो को देखेंगे तो कुछ सकारात्मक बातें भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नकारात्मक बातें भी मिलेगी। तो निश्चित तौर पर जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ निगेटिविटी भी है। तो पहले तो बहुत सारी निगेटिविटी थी, फिर भी आप जानते हैं कि आज स्थिति यह है कि ALP का 100% और टेक्नीशियन का 50% से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो चुका है। उस समय कोई नहीं सोचता था कि होगा, लेकिन अब तो हमारे समक्ष हर तरफ केवल पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे दौर में भी यदि आपको कहीं कोई निगेटिविटी फैला रहा है तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और बस हम यही कहेंगे कि धैर्य रखिए, निश्चित तौर पर सभी का होना चाहिए, बाकी सभी की अपनी अपनी किस्मत है। कुछ अनर्थ ही हो जाए तो यहाँ से वेटिंग अब क्लियर नहीं हो, और वैसा कोई अनर्थ अचानक होगा नहीं, तो आप लोग बस अनुशासित होकर के जो निर्देश मिले उसको फॉलोअप करते रहिए। अपना प्रयास अपनी ओर से जितना संभव हो प्रयास करिए, अपना योगदान दीजिए इसमें बढ़ चढ़ करके, निश्चित तौर पर सभी का क्लियर होगा, यही उम्मीद रखिए। और ये इसी धैर्य के साथ आप लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, निश्चित तौर पर सभी का होगा, ऐसी हमारी कामना है और यही हमारा उम्मीद भी है, और इसी उम्मीद के सहारे हम लोग अभी तक मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, बेल आइकन्स को दबा लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन से रूबरू हो सकें। मिलेंगे फिर कोई अपडेट होगा तो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।